औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, जो हमने दो उपलों वाला पारा तैयार किया था, जो सैयद ज़ाहद हफीज़ शाह साहिब का था, जो लाहौर में होते हैं और हर दफ़ा हीरे का कुश्ता आसान से आसान बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले कराची में उन्होंने काली दस्तार में बनाना सिखाया था, जो कि दुनिया हैरान रह गई थी। उसके बाद इस दफ़ा फैसलाबाद में बनाना सिखाया है, जो कि बहुत ही आसानी से मिलने वाली जड़ी बूटी गाजर बूटी में बनता है, और सिर्फ ये है कि 5 किलो आग में बन जाता है। वो भी माशाल्लाह बड़ा कामयाब है, बहुत कामयाब है। और ये दो उपलों वाला जो उन्होंने बताया सैयद ज़ाहद हफीज़ साहब ने, और ये हमने तैयार किया है, ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। ये हमने पारा मसफ़ी कर लिया, इसको स्प्रिट में कर लें, इसको उसमें कर लें, तारे में कर, तेल में कर लें, नमक में कर लें, जहाँ मर्जी। ये देखे पारा बिल्कुल चमकदार साफ है। इसको हमने कलमी छोरे में रखा, जैसे उन्होंने ज़ाहद हफीज़ साहब ने वहाँ रखा था सेमिनार में। कलमी छोरा 2 तोला था, 1 तोला पारा था, 2 उपले थे। आधा नीचे रखना, उसको थोड़ा सा खल कर लेना, कलमी लेने हैं, 1 नंबर कलमी छोरा लेना है, उसको थोड़ा सा खल कर लेना है, आधा नीचे बिछा लेना, आधा ऊपर बिछा लेना, सेंटर में ये पारा रख लेना है, और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा पानी लगा के ना, उसको थोड़ा सा पानी लगा के उसके ऊपर दूसरा उपला दे के उसको ना किसी मिट्टी से या गोबर से बंद कर देना है, ठीक है। और उसको जब आग ऊपर आग कोयला रख देना है या ऊपर से आग जला देनी है, जब ठंडी हो शाम को जो निकलेगा वो आपको देखना है, जो कलमी छोरा और जो पारा वो मिक्स मिलेगा, ठीक है। और वो मैं वीडियो तस्वीर भी उसकी लगाऊंगा, इस तरह मिक्स मिलेगा। उसको पानी में इसका ना गुसल देना है 2-3 दफ़ा, जो कलमी छोरा है वो पानी में हल हो जाएगा और पारा नीचे बैठ जाएगा। उसको निताल लें, फिर दोबारा गुसल देने, आपका पारा आपको हासिल हो जाएगा। ये मेरा पारा, और मैंने इसमें जो शिंगरब बनाई थी ना, जो टक्की पास शिंगरब बनाई थी वो, और ये मैंने शुगर के लिए एक बना रहा हूँ मरकब, उसके लिए गोलियां बना रहा हूँ, ये इसमें शामिल किया है। ये रंग देख लें, ठीक है, बेहतरीन ज़बरदस्त है, बेज़र्र है, जिस मर्जी तरीके से चेक कर लें बेज़र्र है ये, ठीक है। ये बहुत शुक्रिया ज़ाहद हफीज़ शाह साहब का, और माशाल्लाह वो अब लाहौर में सेमिनार कर रहे हैं, वो भी उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इनको पाकिस्तान का जो इनका ना सदर भी मुकर्रर कर दिया गया है इसका, पंजाब का। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक इनके इलम में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बेज़र चीज़ें होती हैं। हीरा भी बनाएंगे, 40 साल से कम उम्र वाले को भी देंगे, नुकसान कोई नहीं है। और इन्हीं के मरकबाद में हम जो अपने मतलब पे चला रहे हैं, जो इनके ये हीरे से बने हुए, बाकी माशाल्लाह हमारे काफ़ी अपने मरकबाद आपने देखे, जो मैं देसी सल्टीना साल खुद बनाता हूँ, और माशाल्लाह वो मेरी ईजाद है, पूरे पाकिस्तान में जा रहा है, और मैंने बनाना भी सिखाया है। और ये जो है हीरा जो है ना, आसान से आसान हमने उनसे सीखा है। तो ये बनाएं और दुआ में याद रखना, और ज़ाहद हफीज़ शाह साहब के लिए दुआ भी करें। उनका नंबर भी मैं मेंशन कर लूँगा आपको, लिख के जो डिस्क्रिप्शन में जो वो भी लिख लूँगा, वहाँ से भी देख लें। और दुआ में याद रखना, हकीम गुलाम मंसूर साबरी अल मखदूम दुआ खाना। और ये मैं जो अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमने जो पारा 2 उपलों वाला हमने आग दे दी है, और मैंने अपना बेटा लगाया हुआ, मैंने कहा तू बना, ये लोग कहते हैं ना पारा काबू नहीं आता, तो इंशाल्लाह ये मेरा बेटा ही बनाएगा, तैयार करके निकाल के दिखाएगा। तो ये देखें, इस तरह मोल अब बंद कर देने इसके दोनों उपलों के, ठीक है, और ऊपर से आग देनी है, नीचे पड़केगी नहीं आग देनी, ऊपर से आग जल जल के ख़त्म होगी, पारा आपका कायम हो जाएगा इस तरह का। ये बच्चा बैठा हुआ, इसको आग दे रहा है, इसको कर रहा है, क्या कर रहा है मोइन, क्या बना रहा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हकीम गुलाम मंसूर साबरी अल मखदूम दुआ खाना, फ़ोन नंबर 0300-965-5265। जी ये आए थे, और इनकी बेगम का थायराइड का मसला था, गले का बहुत ज़्यादा मसला था, गला फूला पड़ा था थायराइड की वजह से, नीचे तक आया हुआ था, और इन्होंने दवाई खिलाई अपनी बेगम को, माशाल्लाह 15 दिन दवाई खाई थी, उनका थायराइड का मसला ठीक हो गया, और सोजिश काफ़ी कम हो गई, और बिल्कुल साथ जुड़ गया।
और अब ये दोबारा दवाई लेने आए हैं, कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो मसला रह गया वो भी कवर हो जाए। तो जितनी काफ़ी देर से अब नहीं, कम से कम इनको ये मसला था 4-5 साल मसला था, इतनी देर से मतलब बहुत सी देसी दवाइयाँ खाई, अंग्रेजी दवाइयाँ खाई, होम्योपैथिक दवाइयाँ खाई, कोई आराम नहीं आया था। माशाल्लाह पहली दफ़ा ली और कल आके खुद इन्होंने बताया कि बिल्कुल मेरे हिसाब से ठीक है, मगर मैं एक दफ़ा और दवाई खिला लूँ ताकि पूरी ज़िंदगी के लिए मसला हल हो जाए। जी बताएं आप, जरा ऊंची बोलें। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 6 ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਗਿੱਲੜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਿੱਲੜ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਹਵਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਸਮ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਥਕਾਵਟ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਟਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਕੀਮ ਗੁਲਾਮ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਲ ਮਖਦੂਮ ਦਵਾਖਾਨਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0300 965 5265।